मतलब कि अगर आपको एक्सेल में अगर 10 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री ऐसे लिखना है तो आपको क्या करना होगा, 50 डिग्री लिखना है तो 50 और हमने स्मॉल ओ दे दिया। अब इस स्मॉल ओ को हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसी के ऊपर जो राइट क्लिक करके जब हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो यहां मुझे दिखेगा सुपर स्क्रिप्ट, तो ये आपको ऊपर चल जाएगा। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पे होती है कि मेरे पास इस तरह के डेटा है तब क्या करें। अब कुछ लोग कहते हैं सर इसके बगल में हम ओ लिख देते हैं हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जब आप एक सेल को सिलेक्ट करके जब फॉर्मेट सेल में सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी सेल जो है वो सुपर स्क्रिप्ट होगी, लेकिन यहां मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर करना है, तो हर एक सेल में वो लिख के एक एक करके हमें फॉर्मेट सेल में क्लिक करना प्रॉब्लम होता है। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं विजुलाइजेशन कि हमें 85 डिग्री 36 डिग्री ऐसा विजुअल होना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग का मतलब विजुलाइज कोई होता है, तो हम क्या करते हैं इसके बगल वाले कॉलम में हम ओ को लिख देते हैं, फिर इसको मैं यहां से अप और लेफ्ट कर देते हैं ताकि साइड में आ जाए, कॉलम को छोटा कर देते हैं, बहुत ही छोटा कर देते हैं, फिर राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में जाते हैं और इसको हम सुपर स्किप कर देते हैं। अब सुपर स्किप कर दिया, लेकिन अभी भी जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा विजुअल नहीं हो रहा है, तो इसको और अच्छे से विजुअल कराने के लिए पूरी एरिया में दोनों कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट सेल में। सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूं, उसके बाद हम इसके बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर पे आने के बाद मैं यहां पे राउंड बॉर्डर ले लेता हूं और मिडल बॉर्डर ले लेता हूं। ये वाली जो बॉर्डर है जो कॉलम को कॉलम को सेपरेट करती है, इस बॉर्डर को नहीं लेना है। अब ओके कीजिए तो अब आपको पूरा का पूरा डिग्री की तरह विजुलाइज होगा, समझे। तो जब आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं या कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो इसकी कोई मतलब गारंटी नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं उस तरह का फॉर्मेट बन जाए, लेकिन हमें इस तरह के ट्रिक से ऐसे फॉर्मेट्स को बनाने पड़ते हैं।